भाइयों, इस्लाम में जो मियां बीवी का जो रिलेशनशिप है, इसके हवाले से जो तवहुमात पाई जाती थी इस्लाम से पहले भी और आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, हिंदुओं के माशरे के अंदर जो तवहुमात पाई जाती हैं, उसको कंडेम किया। और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 223 इस हवाले से बड़ी अहम है। औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसाउकुम हर्थुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। फातु हर्थकुम अन्ना शितुम, बस अपनी खेतियों के पास आओ जहां से तुम्हारी मर्जी हो। यानी अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक कायम करो, ख्वा आगे से ख्वा पीछे से, लेकिन होना उस जगह पे चाहिए कि जो खेती का मुकाम है। खेती क्या होती है? जहां पर आप दाना बोएंगे तो वहां से दरख्त निकलेगा, और जाहिर है कि वो औरत का मुकाम आगे का मुकाम है, जिसको हम अरबी के अंदर कुबुल कहते हैं। चाहे आगे से हो चाहे पीछे से, लेकिन सोहबत का मुकाम वही होगा। उस खेती की तरफ आओ, यानी वहां पर बीज बो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है इसी आयत के, आप समझ ले तफसील के अंदर, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सही बुखारी में 4528, सही मुस्लिम में 3535 और मिशकात में 3183 के। यहूदियों का यह अकीदा था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ पिछली साइड से सोहबत करे, यानी सोहबत तो सही जगह पर करे लेकिन बैक साइड से, तो उसकी औलाद भैंगी पैदा होगी। तो इस्लाम ने उसको कंडेम करते हुए ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने निसाउकुम हर्थुल लकुम फातू हर्थकुम अन्ना शितुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से आओ, लेकिन मुकाम जो है वही कबूल होगा। दुबुर में हराम है, और वही चीज है जिसे हम एनल सेक्स भी कहते हैं, या लवातत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको बाद लोग बुरा समझते हैं। यानी कौम लूत का फेल, एनल सेक्स, ये भाइयों हराम है। अब मैं इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं, मेरे से जो लोग वाकिफ हैं शुरू से, उनको पता है कि मैं अपनी तबीयत पे जबर करके ये सारी बातें रिकॉर्ड करवा रहा हूं। यानी मेरी आम गुफ्तगू इस तरीके से नहीं होती किसी के साथ, लेकिन अब ये मसला है कि ये चीजें रिकॉर्डिंग में आए ताकि हमारे नौजवानों तक हक बात पहुंचे। भाइयों, बीवियों के साथ मुकम्मल तौर पर जिंसी ताल्लुक, सेक्चुअल रिलेशनशिप, इसकी इजाजत है सवाए कौम लूत के अमल के, जिसे एनल सेक्स कहते हैं, यानी दुबर के अंदर सोबत करना। इस हवाले से बड़ी वईदें आई हैं, निकाह नहीं टूटेगा। ये जो पब्लिक के अंदर मशहूर है ना कि निकाह टूट जाता है, निकाह नहीं टूटेगा, हराम फेल है। तौबा करें, अल्लाह ताला से मगफरत करें और अपने मामलात को मुस्तकबिल के लिए सीधा कर लें, निकाह नहीं टूटेगा, तौबा से मामला जो है रिजॉल्व हो जाएगा। और बीवी पर इस हवाले से कोई इताअत वाजिब नहीं है। अब अक्सर लोग जो है वो राबता करते हैं इस हवाले से, मतलब कई औरतें हैं उनकी माएँ राबता मुझसे कर लेती हैं फोन के ऊपर, के जी इस तरीके से लोग जो है वो मतलब मजबूर करते हैं हमारी बेटियों को इसी एनल सेक्स के ऊपर, और हम तलाक ले लें या इस तरह के मामलात, और वो फिर झांसा देते हैं जी कि खावंद की चूंकि इताअत वाजिब है इसलिए जो है वो बीवियों को चाहिए कि वो हुक्म माने। भाई, खावंद की जो इताअत है वो अल्लाह ताला की बाउंड्रीज के अंदर अंदर है। जहां पर वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदों को फलांगेंगे फिर कोई इताअत नहीं है। यानी अगर कोई खावंद अपनी बीवी को कहता है कि बेपर्दा फिरो, कोई इताअत नहीं है। कोई बीवी अपने खावंद को कहती है कि दाढ़ी मुड़ा दे, कोई इताअत नहीं है। या कोई खावंद कहता है जी मुझे लंबे नाखून बड़े पसंद हैं, तो मेरी बीवी लंबे नाखून रखे। सही मुस्लिम में हदीस है कि 40 दिन तक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद मुकर्रर फरमाई है, इसके अंदर जरूर नाखून काट लेने। ये भी जुलहिज्जा के दिन चल रहे हैं और ये मेरे नाखून बड़े हुए हैं तो मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है, जाहिर है वो अब एक शरीयत को फॉलो करना है। कुर्बानी के बाद ये मूछें मेरी काफी बढ़ गई हैं तो मुझे बड़ी फील हो रही है, और मुझे नहीं समझ आती इतने लंबे लंबे नाखून रखना, फिर इन्हीं हाथों के साथ इस्तिंजा भी करना होता है, और फिर पाकिजगी का किस तरीके से एहतमाम हो सकता है, फिर उन्हीं हाथों के साथ रोटी भी खानी होती है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये फितना आम हुआ हुआ है। और इसी तरीके से ये ख्वामखा जो है ये आईब्रोज का चक्कर है जी, खावंद को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भाई, खावंद को खुश करने के लिए आपने शरीयत की हदें तो नहीं तोड़नी।
इस पे मेरा मसला नंबर 32 एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड है, मुसलमान मर्दों और औरतों के बालों और बाकी आजा के सही अहकाम और मसाइल, अहले सुन्नत पाक .com पे जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। कौम लूत का अमल है, ख्वाब वो मर्द का मर्द के साथ हो, ख्वाब वो मर्द का अपनी बीवी के साथ हो, एनल सेक्स जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी अहम तरीन अहादीस है। इसमें साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं जो आज के दौर के मसाइल हैं, मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। पहली हदीस जामिया तिर्मिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2980, मिश्कात में 3191 है कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही नाजिल फरमाई, निसाउकुम हर्थुल लकुम, वही आयत उन्होंने तलावत की सूरतुल बकरा आयत नंबर 223, और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुबुर में यानी पीठ में एनल सेक्स करने से, कौम लूत का अमल करने से बीवियों के मामलात में भी मना फरमाया और हालत हैज में भी अपनी बीवियों से इज्दवाजी ताल्लुक कायम करने से मना फरमाया। इज्दवाजी ताल्लुक से मुराद इंटरकोर्स है हालत हैज में, और वही है दूसरी हदीस सुन्न अबी दाऊद में 212 नंबर, मिश्कात में 555। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हैज से है, मैं उसके साथ किस तरह ताल्लुक कायम करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका आजार बंद जो है वो कसकर बांध लो, फिर ऊपर का हिस्सा तेरे लिए हलाल है, यानी शर्मगाह के साथ इंटरकोर्स नहीं बाकी जिस्म के साथ मुबाशरत की जा सकती है। और वही हदीस है जिसके ऊपर मुनकरीन हदीस भी इतराज करते हैं कि कुरान में आया कि हैज की हालत में औरतों से अलग रहो, और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से हालत हैज में भी मुबाशरत करते थे, लेकिन वो पूरी हदीस नहीं पढ़ते, वो पूरी हदीस इस तरह है। तीसरी हदीस सही बुखारी में 302, सही मुस्लिम में 680 है कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्महातुल मोमिनीन से इज़दवाजी ताल्लुक कायम फरमाना चाहते जबकि वो हालत हैज में होती तो उनको हुक्म देते कि वो एक आजार बंद बांध लें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी जिस्म के साथ अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत करते थे। तो इंटरकोर्स हालत हैज में हराम है लेकिन बाकी जिस्म जो है वो हलाल है, और बीवी को साथ लटाएं, ये जो हिंदुआना माशरे में है कि ये नापाक हो जाती है या इस तरीके से और माशरों के अंदर, तो इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपने मस्जिद नबवी की खिड़की से अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझे मेरा बिस्तरा पकड़ा दो, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हैज से हूं, आपने फरमाया हैज तेरे हाथों में तो नहीं घुस गया, ये तो हुक्म ही नहीं जा सकता। इस तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख कर कुरान पढ़ा करते थे हालांकि मैं हालत हैज में हुआ करती थी। तो ये हालत हैज हुक्म ही निजासत है, इसमें औरत आटा भी गूंध सकती है और खाना भी पका सकती है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी पे गुस्ल फर्ज है तो बस इतना डिले ना करे कि नमाज कजा हो, बाकी वो कोई हकीकतन तो पलीद नहीं है, हुक्म ही निजासत के एतबार से। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक उल्लेह हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझ पर गुस्ल फर्ज था नाइट फॉल एहतराम की वजह से, मैं जा रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुफ्तगू फरमाने लगे, मैं चुपके से खिसका जाके गुसल करके वापस आया, आपने फरमाया अबू हुरैरा कहाँ गए थे? कहे या रसूलल्लाह मैं नापाक था तो गुसल करने गया, आपने फरमाया मोमिन कभी नापाक नहीं होता, ये हुक्म ही निजासत है। हकीकतन तो नहीं, हुक्म ही ये है कि शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से नमाज पढ़ने के एतबार से इंसान जो है वो उसके लिए गुसल जरूरी है। अब जिस शख्स का वजू नहीं है वो नापाक तो नहीं है लेकिन नमाज पढ़ने के एतबार से नापाक है, नमाज के लिए उसे वजू करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हुक्मी निजासत, हकीकी निजासत अलग है, हुक्मी अलग। इस पे मैंने बड़ी डिटेल से लेक्चर दे दिया है, मसला नंबर 42 औरतों के हैज़ो निफास के मसाइल, वजू गुसल इस्तिंजा, बड़ी डिटेल के साथ तकरीबन 2.25 घंटे की गुफ्तगू है अहले सुन्नत पाक .com पे। चौथी हदीस जामिया तिर्मिजी में 135, सुन्न इब्ने माजा में 639, मिश्कात में भी मौजूद है 551 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें फरमाई। नंबर एक, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से इंटरकोर्स किया, इज्दवाजी ताल्लुक कायम किया। नंबर दो, जिसने किसी औरत के साथ कौम लूत वाला अमल यानी एनल सेक्स किया। और नंबर तीन, जिसने किसी काहिन के पास जाके कोई बात मुस्तकबिल की पूछने की कोशिश की। जिन लोगों ने ये तीन काम किए
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اگر وہ یہ تین کام کرتا ہے. یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو. چھٹی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ساتویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. اور آٹھویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1165، مشکات میں 3195، کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے. ولیعوذ باللہ تعالی.